और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपीएससी में चयनित छात्रों का सम्मान कर रहे हैं। शुभम बजाज जी, विदिशा से शुभम बजाज जी, और अब मुरैना जिले से संदीप राजौरिया जी, ढेरों शुभकामनाएं बधाइयां आप सभी को। काफी हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है हम सभी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को, सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को। तालियों से स्वागत करिए भोपाल जिले के टी प्रतीक राव जी का, टी प्रतीक राव जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जबलपुर संभाग के प्रखर पांडे जी को, प्रखर पांडे जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और अब नरसिंहपुर जिले के चंद्रशेखर मेहरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और अब हमारे बीच भिंड जिले से विकास सेंठिया जी, आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां मध्य प्रदेश शासन की ओर से, बहुत बहुत बधाइयां अभिनंदन यहां उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। और सफलता के मंत्र समारोह में यूपीएससी में चयनित छात्रों का जहां सम्मान हुआ है, उसी के साथ यहां पर इसी उपलक्ष में विभाग द्वारा एक पुस्तिका भी बनाई गई है, जिसका नाम है प्रतिभाओं का परचम। तो इसका विमोचन होगा, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि प्रतिभाओं का परचम पुस्तक का विमोचन करें एवं डिजिटल वर्जन का भी विमोचन होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, साथ ही में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, और साथ ही में यूपीएससी उत्तीर्ण 35 छात्र छात्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः अनुरोध करना चाहूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि एक कैंडिडेट हमारे बीच अभी उपस्थित हुए हैं, श्री अभिषेक खंडेलवाल जी होशंगाबाद से, उनको भी शॉल श्रीफल से सम्मानित करें कृपया करके। श्री अभिषेक जी, तालियों से स्वागत करिए, ढेरों शुभकामनाएं बधाइयां अभिषेक जी को। ढेरों शुभकामनाएं अभिषेक जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डिजिटल लोकार्पण होगा प्रतिभाओं का परिचम पुस्तिका का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल लोकार्पण करें प्रतिभाओं का परिचम पुस्तिका का। तालियों से स्वागत करिए।
बहुत ही सुंदर पुस्तिका। कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए अब मैं मिलवाना चाहूंगी मध्य प्रदेश की ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने संघ लोक आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया अपितु तो पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सबसे पहले मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री जागृति अवस्थी जी को, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में महिला उम्मीदवार में टॉपर रही और ओवरऑल इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जागृति जी की स्कूली शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर भोपाल से हुई है और उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी है इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। जागृति की इस उपलब्धि ने ना सिर्फ उनके माता पिता बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। तालियों से स्वागत करेंगे जागृति जी का। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव, उपस्थित अभिभावक एवं मेरे प्रिय मित्रों, हर्ष का विषय है कि आज हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है एवं इस आयोजन सफलता के मंत्र में हमारा उत्साह वर्धन किया जा रहा है। मुझे ज्ञात है कि इस आयोजन का उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को प्रेरित करना है जो लोक सेवा में अपना करियर बनाने की रुचि रखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने की रुचि के कारण मैंने लोक सेवा, इसको उम्र से नहीं जोड़ा जा सकता, एवं स्कूली, आज मैं आप सभी के साथ वो प्रमुख बिंदु बांटना चाहती हूं जिन्होंने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम परीक्षा के प्रारूप को समझना चाहिए। वेबसाइट पर दिए हुए सिलेबस, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को समझिए, परीक्षा की क्या मांग है, किस तरीके के संसाधनों को रेफर करने की जरूरत है, ये निर्णय आप इस तरह के एनालिसिस से ले सकते हैं। निरंतर प्रयास करिए एवं पुनरावृत्ति करते रहिए, अभ्यास कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए एवं उन कमियों को दूर करने में प्रयत्नरत रहिए। एक एक करके जब सभी कमियां दूर हो जाती हैं तो 100% परिणाम निकल करके आ जाता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आत्मविश्वास है। हिम्मत रखिए, यकीन रखिए कि आप यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास करें तो आप जरूर सफल होंगे। हिम्मत रख करके चुनौतियों के हल निकालिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपको आर्थिक परेशानी है तो शासन की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाइए, किंतु कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति अपने रास्ते पर रुकिए मत, हर बाधा से लड़ करके आगे बढ़िए। सब यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरा यही संदेश है, उत्तिष्ठत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना पालो। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः आभार कि हमें आप सबने इस आयोजन में आमंत्रित किया एवं हमारा सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने बहुत ही अच्छा सफलता का मंत्र दिया, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी सुश्री राधिका गुप्ता जी को, जो कि भारत के सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर जी की निवासी हैं। राधिका गुप्ता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 18वां स्थान प्राप्त किया है। स्वागत है आपका, जानेंगे राधिका के अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, उपस्थित सभी गण मान्यजन, मेरे उपस्थित अधिकारीगण एवं मित्रगण, सभी को सादर नमन। मैं राधिका गुप्ता जिला अलीराजपुर से हूँ। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 अर्जित की है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से क्षण निकालकर हमें मार्गदर्शन देने एवं प्रेरित करने के लिए दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बताते हुए मुझे गर्व भी होता है एवं पीड़ा भी होती है कि मैं जिस जिले से हूँ वह न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में साक्षरता के दर में सबसे नीचे आता है।
लेकिन इसे अगर मैं सकारात्मक रूप से देखूं तो इसी ने मेरी व्यक्तित्व को, इसी ने मेरी पर्सनालिटी को बनाने में मेरी मदद की है। मैं आज जो भी हूं शायद उस जिले के कारण ही हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी मेरे माता पिता का, जिन्होंने शिक्षा की यह नींव बनाई और मुझे इस रास्ते तक, यहां तक पहुंचाया। माननीय महोदय जी, यूपीएससी की तैयारी के 3 वर्षों के काल में मैंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा और तैयारी के कारण मुझे इस बात से भरोसा हुआ कि अगर मैं सफल ना भी हुई तो अच्छे व्यक्तित्व के गुण तो मुझ में मिल ही जाएंगे। धैर्य एवं संयम इस परीक्षा ने मुझे सिखाया है। इन 3 वर्षों में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि असफलता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको संवेदना सिखाती है जो कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पर कभी शंका मत कीजिए। आपका विश्वास आपका सबसे ताकतवर हथियार है और यह शायद मेरा विश्वास ही है जो मुझे आज आपके बीच इस तरीके से लाया है। हम सभी की शुरुआत भले ही भिन्न हो सकती है, पर हम सभी का अंत देश सेवा ही है। तो रास्ते रास्ते भले भिन्न हो, पर हमारा अंत गोल, एंड गोल सेम है। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसीलिए अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखें। माननीय महोदय जी, यह मेरे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है कि आज इस सभा का मैं हिस्सा बन पाई और अपनी बात मैं यहाँ इस तरीके से रख पाई। मैं काफ़ी उत्साहित और खुश हूँ कि अपनी लोक सेवा की यात्रा की शुरुआत करने में एवं सभी का मार्गदर्शन लेने के लिए। और अंत में मैं यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं अपनी संविधान के मूल रूप उनके आदेशों का निर्वहन करूँगी और अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री राधिका गुप्ता जी, आपकी पॉजिटिव अप्रोच को सलाम। आपकी पॉजिटिव अप्रोच बहुत अच्छी है और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से शासन में भी काम करेंगी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी महितपुर जिला उज्जैन के रहने वाले ऋषभ रुणवाल जी को। ऋषभ जी ने 2081 रैंक प्राप्त की है और आपने सोयाबीन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा मारवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे से प्राप्त की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश और यहाँ पे विराजित सभी सभाजनों को मेरा शत-शत प्रणाम। आप सभी के समक्ष मैं अपने अनुभव को व्यक्त करने का मुझे अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं यह मेरे लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं महितपुर जिला उज्जैन का निवासी हूँ। मैंने मेरी शिक्षा महितपुर और कुछ पुणे से अर्जित की है। मेरी शिक्षा के दौरान और मैंने कुछ वर्ष जो मेरी जॉब की थी उस टाइम मुझे विचार आया कि जो डेवलपमेंट डेफिसिट मैं देखता हूँ, जब मैं पुणे से अपने घर पे जाता हूँ तो जो डेवलपमेंट डेफिसिट मुझे दिखते हैं, उसने मुझे इंस्पायर किया है कि हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि बाहर से सिस्टम को ब्लेम करना इट्स वेरी इजी, टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड टू मेक अ डिफरेंस दैट रिक्वायर्स समथिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू जॉइन सिविल सर्विसेज और मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है। सोर्सेज पढ़ाई के ये सबको इंटरनेट पे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ और कॉमन चीज़ें हैं जो हम सभी में कॉमन है। जैसे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है पढ़ाई करना, तो मेरे लिए मेडिटेशन बहुत काम में आया है, मुझे अपना काम रखने का, अपने आप को काम रखने का और पढ़ाई पे फोकस करने का। ऑल्सो पढ़ाई एक जगह है, लेकिन हमारी जो दूसरी रुचियाँ होती है मैं उन्हें भी कंटिन्यू करता था। आई यूज़ टू प्ले स्पोर्ट्स, आई यूज़ टू मेक आउट टाइम टू गो आउट फॉर मूवीज़ सो दैट एक मोनोटोनी ब्रेक हो जाए। तो आप भी जब अपनी शिक्षा के लिए, यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे तो अपनी रुचि को मत छोड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी निखारती है। हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत सारे फेलियर्स दिखें, हो सकता है आपका क्लियर ना हो हर बार, लेकिन हमेशा अपने साथ एक इंस्पिरेशन रख लिए। हमेशा एक इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है कि जब आपको गिवअप करने का मन करता है तो वो इंस्पिरेशन आपको आगे ड्राइव करता है। मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे माता पिता थे, मेरी बहन थी और आखिरी में कुछ महाभारत के अंश हमेशा मुझे इंस्पिरेशन देते हैं हर समय। मैं एक उसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है,
तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है, फल तुम ईश्वर पर छोड़ दो। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना कर्म के फल की आशा रखना उचित है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि नॉलेज इज ऑफ नो यूज अनलेस इट इज अप्लाइड। सो इवन इफ यू डोंट क्लियर द एग्जाम, अप्लाई दिस नॉलेज इन योर रियल लाइफ। अप्लाई, बिकम अ गुड पर्सन, बिकम अ पर्सन विच यू हैव स्टडीड फॉर सो लॉन्ग। सो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक बार और एक